शिक्षक साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के छात्रवृत्ति की वेबसाइट में अंतिम चरण में मैं पहुंच गया हूं। इन सब का प्रोसेस मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। सारांश प्रतिवेदन भी अपलोड करना है, एम्बिग्यूटी की जांच करना है, भुगतान के बी ए डी ओ को प्रेषित करना है। तो इस वीडियो में मैं यही तीनों प्रक्रिया को बताने चल रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक कर देंगे और अपने साथियों में शेयर भी कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी को अपलोड करूँगा, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मेट बी है जो फ्रंट पेज में है, वहाँ पर से आप डाउनलोड करके भर लेंगे। तो यहाँ पर चूज फाइल करेंगे, उसका फ़ोटो खींच लेंगे जो 100 KB तक के लिए होगी, और जहाँ पर वो रखा हुआ है वहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ फाइल दिखने लगेगी, फ़ोटो दिखने लगेगा, और सारांश प्रतिवेदन अपलोड करें पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया कि आपके द्वारा अपलोड सारांश प्रतिवेदन सही है कि नहीं, ये सुनिश्चित कर लीजिए। यस करेंगे तो आपके द्वारा सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया, एक मैसेज आ गया। ओके करेंगे तो यहाँ से देख भी सकते हैं, और गलत हो तो निरस्त करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। अगले प्रोसेस में जाएंगे, एम्बिग्यूटी की जांच करें। यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा दोनों तरफ एक बराबर हो गया है। यहाँ वेरीफाई करेंगे। यहाँ एक बात और देखने की कि इस बार बिना आधार कार्ड वाले बच्चों का छात्रवृत्ति पंजीयन संभव नहीं है, ना ही बन पा रहा है, तो उन्हें फॉर्मेट बी से भी हटा देंगे और फॉर्मेट ए में भी नहीं आएंगे। तब आपका यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जब दोनों तरफ बराबर डाटा हो गए तो वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आ गया स्कूल रिकॉर्ड वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। विद्यालय की एम्बिग्यूटी वेरीफाइड हो चुका है, ओके करेंगे। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है, भुगतान के लिए बी ओ डी ओ प्रेषित करें। उसके पहले मैं बता दूं, अगर भुगतान के लिए बी ओ डी ओ प्रेषित कर रहे हैं और वहाँ पर कोई एरर आ रहा है कि आधार आय जात प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट भी शो होगी। तो उसमें देखिएगा इस तरह की लिस्ट शो होगी, और यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है दाएं साइड सबसे लाइन में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए यस 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 लिखा हुआ है ना, और जिसका अपलोड नहीं हुआ रहेगा वहाँ पर नो आ जाएगा। तो आपको वहाँ जाकर इसको अपलोड करके सही कर लेना होगा। तो आप जब भुगतान के बी ओ डी ओ प्रेषित करेंगे तो वहाँ एरर बताएगा और उस तरह की लिस्ट शो होगी। दाएं साइड आप यस नो देख के फिर से वापस जा सकते हैं, लेकिन अभी एम्बिग्यूटी हम वेरीफाई कर चुके हैं इसलिए फिर से एडिट कहीं ऊपर नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इस वाले ऑप्शन से अनवेरीफाई एम्बिग्यूटी वेरीफाइड को करना होगा। यहाँ जब क्लिक करेंगे तभी पीछे का कुछ कर पाएंगे। और अब भुगतान के बी ओ डी ओ प्रेषित हो गया तो फिर कुछ भी नहीं होगा, यानी सब आपका सही था। अब अगर बाद में कभी खुलता है तब नए बच्चों को आप जोड़ सकते हैं। तो हमने एम्बिग्यूटी भी जांच कर लिया, अब भुगतान के लिए बी ओ डी ओ को प्रेषित करें पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भुगतान के लिए डी ओ को प्रेषित करें ऑप्शन आ गया, सब कुछ यहाँ पर है डिटेल। नीचे आएंगे, एप्लीकेशन सेंड टू डी ओ ऑप्शन है, प्रिंट है, इसको प्रिंट ऑप्शन क्लिक करके इसे सुरक्षित कर लेंगे भविष्य के लिए। एप्लीकेशन सेंड टू डी ओ ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर है क्या रिकॉर्ड सुरक्षित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा चयनित विद्यार्थी सही हैं। क्या आप चयनित विद्यार्थी को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं, तो ओके करेंगे। मैसेज आ गया, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सेंड टू डी ओ, ओके करेंगे। तो शिक्षक साथियों इस तरह से हमारा एप्लीकेशन सेंड टू डी ओ हो गया है। ये सभी प्रक्रियाएँ थी। बहुत से प्रश्न आपके द्वारा जो वीडियो में किए गए हैं उनके उत्तर भी लगातार देने का प्रयास किया हूँ। और भी अगर इसी तरह कुछ और भी वीडियो आपको चाहिए होंगे तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उनका वीडियो बनाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो यह वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।